बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं FR Info TV। दोस्तों, आपने मूवीज़ वगैरह में डॉल्फिन और वेल को लाजमी देखा होगा। आज हम भी आपको एक वेल के बारे में दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस वेल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑर्का। ऑर्का कातिल वेल के नाम से भी जानी जाती है। डॉल्फिन की एक किस्म है जो अपने मखसूस स्याह और सफ़ेद रंगत, लम्बे ड्रोसल पन और इंतहाई ज़हीन और समाजी रवैये के लिए मशहूर है। ऑर्का नाकाबिले यकीन हद तक मकबूल हैं क्योंकि ये तमाम वेल और डॉल्फिन में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। इन्हें बाद औकात ब्लैक फिश कहा जाता है। ये नाम दीगर वेल प्रजातियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑर्का की लंबाई 32 फुट तक होती है और इनका वज़न 22,000 पाउंड तक होता है। मादा ऑर्का कदरे छोटी होती हैं जिनकी लंबाई 28 फुट तक होती है। इनका वज़न 16,500 पाउंड तक होता है। ऑर्का की एक मखसूस शक्ल होती है जिसकी कमर स्याह और पेट सफ़ेद होती है और एक लंबा खमदार ड्रोसल पंख होता है जो नरमे मादा की नस्बत मुकाबले में ऊँचा होता है। ऑर्का की दोनों आँखों के पीछे एक मखसूस सफ़ेद धब्बा और उनकी थोथनी की नोक पर सफ़ेद रंग का धब्बा होता है। नर ऑर्का का पुश्ती पंख 2 मीटर तक लंबा होता है। ऑर्का इंतहाई तेज़ तैराक हैं और ये 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ़्तार से तैर सकते हैं। मादा ऑर्का के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 80 साल या इससे ज़्यादा उम्र तक ज़िंदा रहती है, जबकि मुहक्किकीन के मुताबिक एक पालतू ऑर्का की मौत के वक्त उसकी उम्र 105 साल थी। मादा ऑर्का अक्सर 40 साल की उम्र तक अफजाइश नस्ल कर सकती हैं। ऑर्का के बच्चों की पैदाइश के वक्त बिछड़ों का वज़न तकरीबन 180 किलोग्राम तक होता है और ये 8 फुट लंबे होते हैं। इनका अपनी माओं के साथ गहरा रिश्ता होता है और ज़िंदगी के इब्तदाई चंद सालों में तहफ़ और देखभाल के लिए अपनी माओ पर इन्हिसार करते हैं। ऑर्का इंतहाई समाजी जानवर हैं जो पॉड्स कहलाने वाले ग्रुपों में रहते हैं जिनका साइज़ चंद अफराद से लेकर 50 से ज़्यादा हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्का को इक्यूटाइप्स कहा जाता है। ऑर्का मुख्तलिफ किस्म के समुद्री माहौल बशमूल कुतबी इलाके, मुतदिल पानी, खुले समुंदर, साहिली पानियों और रास्तों समेत मुतअद्दिद रिहायशगाहों में फलने फूलने के काबिल हैं। ऑर्का दुनिया के तमाम समुद्रों में पाए जाते हैं और बहीरे रूम के अलावा हर समुंदर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऑर्का को कातिल वेल क्यों कहा जाता है जब वो डॉल्फिन है? तो दोस्तों, डॉल्फिन और वेल का गहरा ताल्लुक है। इन्हें कदीम मलाहों ने कातिल वेल का नाम दिया था जिन्होंने इन्हें बड़ी वेल का शिकार करते देखा था। डॉल्फिन की एक किस्म होने के बावजूद ऑर्का को आमतौर पर कातिल वेल कहा जाता है। 1960 की दहाई से आम इस्तेमाल में कातिल वेल के बजाय ऑर्का का इस्तेमाल मुसलसल बढ़ता चला गया है। इन्हें बाद औकात समुंदर के भेड़िए कहा जाता है क्योंकि वो भेड़ियों के पैग जैसे ग्रहों में शिकार करते हैं। ऑर्का के दांत बहुत मजबूत होते हैं और इसके जबड़े मजबूत गिरफ्त रखते हैं और जब मुंह बंद होता है तो ऊपरी दांत निचली दांतों के खला में गिर जाते हैं। पीछे के दांत शिकार को अपनी जगह पर रखते हैं जबकि आगे के दांत कदरे आगे और बाहर की तरफ मायल होते हैं ताकि इन्हें ज़ोरदार झटका देने वाली हरकत से बचाया जा सके। ऑर्का ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया के जनूबी साहिल पर 3 अलग अलग मौके पर एक नीली वेल को मारने का रिकॉर्ड कायम किया जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 18 फुट वेल भी शामिल है। बड़ी वेल को मारने के लिए ज़्यादा मेहनत और हमंगी की ज़रूरत होती है। ऑर्कास क्या खाते हैं? अगर इस बारे में बात करें तो ऑर्का मछलियाँ, सेल, समुद्री शेर, डॉल्फिन, पोरपॉइस जो कि डॉल्फिन की एक नस्ल है, शार्क और बड़ी वेल, समुद्री परिंदे और बहुत कुछ। एक बार जब वो जान लें कि उनका ख़ानदान क्या खाता है तो उनके खाने में तब्दीली का इम्कान नहीं होता। ऑर्का को शिकार की मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, बशमूल ग्रुप्स पीछा करना और यहाँ तक कि शिकार को पानी से बाहर निकालने के लिए अपनी ताकतवर दुमों का इस्तेमाल। कातिल वेल लोगों को नहीं खाती। सवाल यह है कि क्यों नहीं? एक सादा हयातियाती पैमाने पर वो हमसे बड़े और मजबूत हैं, उनके दांत तेज़ हैं और वो गोश्तखोर हैं। इस तरह की कोई भी मखलूक इंसानों को एक छोटे लजीज नाश्ते के तौर पर देख सकती है, लेकिन ऑर्का के इंसानों पर हमला करने के चंद अलग थलग वाक़े हैं। लेकिन आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ये हादसाती तसादम या गलतफहमियों का नतीजा हैं। बजाय इसके कि ऑर्का के इंसानों पर हमला करने के अमूमी रुझान के, ऑर्का ज़हीन और समाजी जानवर हैं और वो सीखने और अपने माहौल के मुताबिक ढलने की सलाहियत रखते हैं। बाद सूरतों में ऑर्का जो पकड़े गए हैं और जो कैद में हैं वो इंसानों के खिलाफ ज़्यादा जरहाना हो सकते हैं। ऐसा ख्याल किया जाता है कि इसकी वजह इंसानों पर हमला करने के फितरी रुझान के बजाय कैद में रहने के दबाव और कैद की वजह से है। ये याद रखना ज़रूरी है कि अगरचे ऑर्का आमतौर पर
इंसानों के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन वह भी समुद्री जानवर हैं और उनके साथ एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। हालिया बरसों में आर्का को बहुत से खतरात का सामना करना पड़ा है, बशमूल रिहाइश की तबाही, आलूदगी और ज़्यादा माहीगीरी, जिसने कुछ आर्का की आबादी को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। आर्का को माहीगीरी के सामान में उलझने और कश्तियों से टकराने से भी ख़तरा होता है। आर्का और उनके रिहायशगाहों के तहफ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी हैं, बशमूल समुद्री महफूज इलाकों का क्याम, माहीगीरी और दीगर सरगर्मियों से मुतलक ज़वाबित का नफाज, जिससे आर्का को नुकसान पहुँच सकता है। आर्का, जिसे कातिल वेल भी कहा जाता है, को थीम पार्क्स में तफरीही मकासद के लिए करतब दिखाने और इंसानों के साथ बातचीत करने की तरबियत दी जा सकती है। यह तरबियत आमतौर पर एक तरीका इस्तेमाल करते हुए की जाती है, जिसे मुस्बत कमक कहा जाता है, जहां आर्का को कमांड पर मतलूबा सलूक करने के लिए ट्रेड या खिलौना से नवाजा जाता है। आर्का को तरबियत देने के लिए ट्रेनर एक इशारा पेश करेगा, जैसा कि आवाज़ का हुक्म या हाथ का इशारा, और आर्का मतलूबा तर्ज अमल अंजाम देगा। जब आर्का रवैये को सही तरीके से अंजाम देता है, तो ट्रेनर एक इनाम फराम करेगा जो रवैये को तकवीत देता है और आर्का को मुस्तकबिल में उसे दोहराने की तरगीब देता है। यह अमल आमतौर पर दोहराने और कमक के जरिए की जाता है और एक आर्का को चालों को अंजाम देने या इंसानों के साथ बातचीत करने की तरबियत देने में काफ़ी वक्त लग सकता है। कैद में मौजूद आर्का को उनकी सेहत और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए तिब्बी तरीक़ेकार में हिस्सा लेने के लिए भी तरबियत दी जा सकती है, जैसा कि इंजेक्शन लेना या दांतों के इम्तहान से गुजरना। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि कैद में मौजूद आर्का मसनूही माहौल में होते हैं और उनके कुदरती रवैये और समाजी तामलात ऐसे नहीं होते जैसे वो समुंदर में होते हैं। ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि आर्का की फलाह बहबूद अवलिन तरजीह है और ये कि उनके साथ इंसानियत जैसा बर्ताव किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। हमें दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।